नमस्कार दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक मैं न्यूज़ 24। मैं हूँ चंद्रदेव पटवार। अभी मैं बिठा गांव में उपस्थित हूँ। यहाँ हमारे साथ कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ के जिला मंत्री मदन यादव जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित हैं। आइए जानते हैं क्या कार्यक्रम है यहाँ पर। मदन बाबू, आप बताएं ये इतने भीड़ क्यों लगी हुई है? इतनी भीड़ लगाने का यही कारण है कि हमारे ये सारे किसान मजदूर भाई हैं, पथ निर्माण में काम करने वाले तथा भवन में काम करने वाले, और भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड का बनाने का योजना चल रही है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हर गांव-गांव तक जाके और इस कार्ड का लाभ मिले, और इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में जो हमारे किसान मजदूरों का मृत्यु हो जाता है, पथ निर्माण मजदूरों का मृत्यु हो जाता है, इलाज नहीं करा पाता है, ये कार्ड बनने के बाद सभी का इलाज हो जाएगा, जिससे कि सबका घर परिवार सब मैंने अच्छा बना रहेगा। यही कार्यक्रम के लिए कि आज सबको यहाँ बुलाए हैं भिठरा गाँव में। चलिए ठीक है, धन्यवाद। भवन एवं निर्माण मजदूर संघ का जम्मू जिला का जितनी निबंधित हैं वो सब लोग को हम आयुष्मान भारत की, हर एक मजदूर को, पूरे जम्मू जिला को जो 50,000 मजदूर हैं वो 50,000 मजदूर को गांव-गांव में शिविर लगा कर कर करके सरकार से, भारत सरकार से निवेदन है कि हर एक गांव में जाकर शिविर लगावे और हर मजदूरों को जो है आयुष्मान भारत 5 लाख की जो योजना है वो मुफ्त इलाज हो, इसके लिए मैं हर मजदूरों तक जो है वो लाभ देता हूँ। अगर हर मजदूर और गाँव गाँव शिविर नहीं लगाएंगे तो सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। इसलिए हमारे मजदूर जो है इलाज के बिना, पैसे के बिना वो मर जाते हैं, उनकी बाल बच्चा कोई देखने वाले नहीं रहते। हमारे मजदूर जो है खेत में, घर में, काम में, पथ में, रोड में, भवन में काम करने वाले सारे मजदूर हैं, वो जो कमाते हैं वो खा जाते हैं, उनके इलाज के लिए कोई पैसा नहीं बचता है, और उनके आर्थिक, उनकी दैनिक मजदूर समस्या को कोई समझने तैयार नहीं। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे भवन निर्माण मजदूर संघ का जितने निबंधित मजदूर हैं वो सब तक जो है ये 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा है, इलाज या फिर इलाज का सबों का जी। मैडम जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। जी जी, तो यहाँ पर जो इतने भीड़ लगी हुई है, क्या मामला? ये आयुष्मान कार्ड बन रहा है, हेल्थ कार्ड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें POCW में जितने भी रजिस्टर्ड लेबर हैं, डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि सारे लेबर्स का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए ताकि उनको हेल्थ बेनिफिट मिल सके। इसके तहत अगर कोई भी हॉस्पिटल में हम लोग बीमार पड़ता है, अगर उसको इलाज की आवश्यकता है, 12 घंटे एडमिट रहने का कंडीशन है, उसमें उनका मुफ्त इलाज होगा, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में होगा। इसलिए हम लोग प्रयास करें जितने भी POCW वर्कर हैं उनको ये हेल्थ कार्ड बनवा दें, और यहाँ पर ऐसी कुछ समस्याएं आप लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कुछ समस्याएं आ रही हैं। 20-21 वालों का कार्ड नहीं बन पा रहा है, अभी एंटर नहीं ले रहा है। हम लोग आगे डिपार्टमेंट से इस बारे में बात करेंगे कि क्या इशू आ रहा है उसमें, और सभी लोगों का जाके इनके गाँव में जा करके हम लोग कैंप करके इन लोगों का कार्ड इशू करेंगे। तो ये क्या प्रखंड वाइज है या पंचायत वाइज, मैंने पूरे जम्मू जिले में करना है? हाँ, पूरे जम्मू में काम हो रहा है, ये इनफैक्ट पूरे पूरे बिहार में हो रहा है ये काम। और मतलब हमारी मीटिंग हुई थी 1 हफ्ते पहले, जिसमें हमें लिया गया कि हम लोग सभी कैंप करें, और हमारे जो डिपार्टमेंट के हमारे डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन सभी POCW वर्कर का आयुष्मान भारत कार्ड में रजिस्टर किया जाए, बस उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग छोटे छोटे कैंप इसी तरह का, हालांकि आज देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में लेबर्स आ गए हैं, लेकिन ये जो कार्ड नहीं ले पा रहा है 20-21 की जो समस्या आ रही है, हम लोग जल्दी इसको रिजॉल्व करके इन लोग के गाँव में ही, पंचायत में हम लोग कैंप करेंगे। ठीक, धन्यवाद। यहाँ से लेके आइएगा, बाहर बाहर शाही को ले लेंगे, अभी भीड़ कितने निकले थे पीछे।